Lord, we bless your name. We praise you, Lord. Yes, hallelujah. Yes, we glorify your name. Hallelujah. धन्यवाद. हालेलुया. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. थैंक यू जीसस. थैंक यू जी. पकड़ो पकड़ो. प्रार्थना करो. थैंक यू जी. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर. इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, तूने आज फिर से इस कलेश में मौका दिया पिता परमेश्वर. तेरा धन्यवाद और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर. हम प्रार्थना करते हैं जो भी दुख मुसीबत, हरी बीमारी, जो भी में है, तो सारी चीज़ों को पिता परमेश्वर खत्म कर दे पिता परमेश्वर. हम तेरी हजूरी में आए हैं पिता परमेश्वर. तूने अपने लहू से हमें सींचा है पिता परमेश्वर. हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों पे चले पिता परमेश्वर, तेरे आज्ञा के अनुसार चले पिता परमेश्वर. तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर. आज के टाइम में जो भी पिता परमेश्वर हारी बीमारी चल रही है पिता परमेश्वर, उससे तूने हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर. तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया. तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर. तेरे सिवा हमारा और कोई विश्व परमेश्वर नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा चलन रखने वाला पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर तेरे वचनों पर चले. हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पूरे माना जाए, तेरा राज है. जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो. और आज हमारे इन घर की रोटी प्रभु को आज जैसे हमने अपने अपराधों को अपराधियों को क्षमा किया, ऐसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर. परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जाता हमें. सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा. परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. वो ही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा. वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा. पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर हमारे गुनाह. परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं. माँ की तरह उसने दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं. कालेश दूध राम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी. परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें. परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें. चरवाहे की मां जिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें. चरवाहे की मां जिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला मुझे. मुझको बचाने को जा रब
काफी भी काफी हाथ में हम उसके रहे परम पिता की हम स्तुति गाए वो ही है जो बचाता हमें परम पिता की हम स्तुति गाए वो ही है जो बचाता हमें हालेलुया हालेलुया धन्यवाद थैंक यू जीसस हालेलुया प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु आज की संध्या हम तेरी उपस्थिति में आते हैं तू महान है सामर्थी परमेश्वर तू जीवित है हालेलुया तू दयालु है अनुग्रहकारी है तू विलंब से कोप करने वाला है अपने क्रोध में भी अपनी दया को अपनी करुणा को स्मरण करता है ये तेरी असीमित करुणा है कि हम याकूब की संतान नाश नहीं हुए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी भलाइयों के लिए खुदावंद यीशु मसीह तेरी वफादारी के लिए जब हम बेवफा भी थे तब भी वो वफादार रहा परमेश्वर अपने प्रेम की खूबी को हम पे इस तरह प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मोया हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु तेरा धन्यवाद हो हालेलुया हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए हमारी लानते हमारी बदकारियां अपने ऊपर लेने के लिए तू हमारे लिए कुचला गया हमारे लिए घायल किया गया तो भी प्रभु तेरा वचन कहता हमने उसे परमेश्वर का मारा और कूटा हुआ जाना प्रभु वो फरीसी सुदूकी रोमी सिपाही जो ठट्ठे कर रहे थे सब हला हला के प्रभु तुझे मजाक में उड़ा रहे थे वो शास्त्री पुरोहित याजक महायाजक लेवी काहिन और वहां से गुजरने वाले सभी ये सोच रहे थे ये व्यक्ति कितना श्राप बंद कर दो सब ये व्यक्ति श्रापित है इसलिए इसे क्रूस पे चढ़ाया गया हालेलुया प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे अपराध अपने ऊपर लिए तूने हमारे पाप अपने ऊपर लिए तूने हमारी लानतें अपने ऊपर ली तू हमारे लिए कुचला गया तू हमारे लिए घायल किया गया हालेलुया तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद 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 प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम इस घर में हम प्रभु जी तुझे ग्रेटिट्यूड अप्रिसिएशन प्रभु जी अपने हृदय तेरे आगे उंडेलते हैं कि तूने प्रभु जी अंधकार के चुंगल से हमें छुड़ाया शैतान की कैद से हमें छुड़ाया प्रभु जी अपने राज्य के वारिस हमें बनाया प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते तेरा धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते प्रभु जी तूने अपने अनुग्रह से अपनी हजूरी में आने के लायक हमें बनाया कि हम तुझे हे अब्बा हे पिता कह के पुकारे कि प्रभु जी हम तेरी परस्तिश कर सके तेरी इबादत कर सके तेरी आराधना कर सके हालेलुया तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने परस्तिश की माला चढ़ने वाला जात तेरी पहचाने तेरे कलाम को पढ़ने रुतबा तेरा जाने परस्तिश की माला जपने वाला जात तेरी पहचाने कदूश 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 कदू वो ही है पाक खुदा कदूश 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 कदू वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नास खेने को जिंदगी वो ही बना था लानती
तेरे को लानती। मौत पे फतह पाई, कुर्बान होकर तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा फटी कब्र, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होकर तूने यीशु मेरी जान बचाई। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी लेने को जिंदगी, वो ही बना था लागती लेने को लागती। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना करें, सभी लोग धन्यवाद तेरा धन्यवाद हालेलुया यहोशुआ मसीह हालेलुया। You are holy.
Hallelujah. For the Lord Almighty. Our voices. Lord, we sing a melody. Hallelujah. Lord, we cherish to love. Yeah, cherish to sing your praise, Lord. Lord, our delight is in worshiping you, Lord. Hallelujah. Lord, it's privilege, Lord, for us to come into your presence and to be able to sing your praise. Lord, thank you. Lord, this privilege was given to the cherubim, to the seraphim, to the ophanim, to the angelic host of a very high ranking. But Lord, you bestowed this privilege upon me, that I can call upon your name, that I can worship you, that I can adore you, Lord. Yeah, hallelujah. Hallelujah. I could have never achieved anything. Hallelujah. Hallelujah. I could have never been given anything more blessed than this, Lord. That hallelujah. 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 Mm. Oh, Jesus. Hallelujah. Lord, I just delight in worshiping you. I just delight in praising you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. गलियों की धूल मैं कुचला सफूर था मैं जख्मी लाचार पापी तुझको कबूल था आराधना तू
Lord, I declare your kingship in this home. I announce your dominion in this home. You are the reigning king of this home. You are the ruler, Lord. This is your home. Lord, these are your people. They are the flock. Lord, they are the flock, your flock. They are the sheep of your pasture. Lord, you created them in the womb of their mothers. You fashioned them, Lord, so intricately. You created them in a very, very awesome manner, Lord. They belong to you. They're your sheep, Lord. I pray you visit them. Bless this home. We come in this home in the name of Yahushua HaMashiach. Bless this family. Bless the head of this home. Lord, this dear lady, Brother Raman's mother. Bless her. Bless Brother Raman. Bless his dear wife, Sister Veena. Bless their daughters, Lord. Bless this home. Lord, let this day be a day that is marked by blessing. Lord, I declare your blessing. Being your servant, being your priest, Lord, I pray that you will open the floodgates of heaven and shower your blessing. Lord, the blessing of this family that are stuck up. They are overdue, Lord. These people are overdue for a breakthrough. Overdue, Lord, for a greater increase in their life. Tonight, Lord, hallelujah. I decree it in the name of Yahushua HaMashiach. Blessing upon Ramana. Hallelujah. Blessing upon his family in the hallelujah. Name of Jesus. Hallelujah. Lord, no more crumbs. We will not be satisfied by crumbs. Mephibosheth, who was the son of Jonathan. King David had already made a covenant with Jonathan. But Mephibosheth was crippled. He was maimed because when he was born, the maid was taking, the child fell down. And the child was maimed. He was living in a very shabby, little tiny village called Lodabar. Lodabar was a town, was a city that was absolutely impoverished. Poor of a very extreme degree lived there. He was living in rags. He was living a very filthy life. But David came to know that there is a seed. David came to know that there is a child and offspring of Jonathan. So David sent men. He said, bring him back from Lodabar. Satan wants to keep his people in Lodabar. Satan wants to keep his people in a very shanty living, in a very below poverty line living. But God is coming down right now. Lord is coming in the name of Jesus of Nazareth. His Holy Spirit is coming. Holy Spirit is spearheading a move to bless the righteous. God is saying, I'm going to bless the righteous. When this plague is wreaking havoc upon the earth, when this plague is bringing down many who were so-called mighty, but the hand of the Lord in a very sovereign way is going to bless the righteous. They who are humble, they who have a contrite heart, they who have a broken spirit, they who seek the Lord, pursue Him in holiness and righteousness, they who cherish to walk on the ways of the Lord, God is bringing them out of Lodabar. Mephibosheth is coming out of Lodabar. No more living in riches. Hallelujah. He would have thought that fall from the table of the king. But the king said, no more eating the crumbs. You sit right with me on my table. Mephibosheth was brought into the palace of the king. Hallelujah. God is bringing us into his palace. Parmeshwar hame apne shahi palace mein la raha. Parmeshwar hamare jeevan mein kaam kar raha. Bandhan juye tod raha hai pavitra. Parmeshwar dharmiyon ko dhoond raha. परमेश्वर उन्हें ढूंढ रहा है जो सीधे दिल से यहोवा के पीछे चलते हैं, खराई से उसके पीछे चलते हैं। वो उनके ऊपर अपनी बरकतों को उड़ेलने जा रहा है। खुदावन, मैं डिक्लेयर करता हूँ इस घर के ऊपर ब्लेसिंग ओवर रमन खान एंड ओवर हिज वाइफ एंड ओवर हिज चिल्ड्रन। लॉर्ड, आई प्रे यू टीच दिस मैन योर ट्रू रेवलेशन दैट ही विल नेवर गेट पफ्ड अप। लॉर्ड, योर वर्ड सेज डू नॉट appoint a new man, a novice. Do not bring a novice and make him a pastor, for the devil will go to tempt him. I pray for this man, Lord, that he will be humble. Lord, that he will bend his knees always before you. He will never get arrogant or proud after learning few things. For Lord, we haven't learned anything yet. We have not even yet embarked. The devil is very conniving. He's a very shrewd enemy. He goes after your people. I pray you protect him. And also give him wisdom that he will not connect with everybody.
Lord, He will be selective in His connecting with people. For there are many polluted streams that are flowing. And there are many gullibles who are drinking from the polluted streams. And the water that is flowing in those streams is dirty and polluted. Rava hame discretion de, buddhi de, jnan de. Hallelujah. Prabhu, aaj ki sandhya, is ghar mein tera atma kaam karega. Tere naam ki manima ho. यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन हालेलुया 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 परमेश्वर के वचन में से एक वचन पढ़िए ड्यूटरोनमी व्यवस्था विवरण में से व्यवस्था विवरण और उसके आप आइए 28 अध्याय में व्यवस्था विवरण 28 से है मैं आप शूट कर रहे हो क्या मैं इसको कर दूंगा नहीं चल ले उसको हाँ ना हाँ अच्छा फिर ठीक है डिफरेंट पीपल ओके ओके राइट राइट पढ़िए हिंदी में पढ़िए इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़िए दोनों में पढ़ सकते हैं ड्यूटरोनमी चैप्टर नंबर 28 फ्रॉम द स्टार्ट यस नाउ इट केम टू पास इफ यू डिलिजेंटली ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड योर गॉड फिर से पढ़े शुरू से Now it shall come to pass. Now it shall come to pass. Yes. If you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Hallelujah. Suniye dhyan se. And all these blessings. Bas ek second rukiye. Ab rukiye ek second. Dekhe kya kehta Prabhu. प्रभु कहता है एंड इट शैल कम टू पास लॉर्ड इज सेइंग इट विल हैपन टू यू लॉर्ड इज सेइंग दिस विल बी द रिजल्ट लॉर्ड इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर विल ब्रिंग यू दीज काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स इट शैल कम टू पास इन द फ्यूचर बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू गॉड इज सेइंग हियर यू आर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी विद मी टुडे So today, if you start doing what I command you, here when you reach on your destination, it shall happen to you. What shall happen to you? Now listen carefully. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, sabse important cheez kya hai? You hear the voice of the Lord your God. Hear. Do shabd hai, ek hai listen aur ek hai hear. Dono mein bahut fark hai. Samjhe aap? जो यहाँ पे एक हिब्रू वर्ड है बाइबल में एक बहुत प्रोमिनेंट हिब्रू वर्ड है जो हिब्रू वर्ड है शेमा शेमा का मतलब हियरिंग द लॉर्ड परमेश्वर की आवाज को सुनना लेकिन शेमा एक बड़ा डीप वर्ड है शेमा का मतलब है यू हियर गॉड विद एन इंटेंशन टू ओबे द लॉर्ड यू डोंट हियर फॉर द सेक ऑफ हियरिंग दैट यू हियर फ्रॉम हियर एंड यू लेट इट गो फ्रॉम हियर नो यू हियर बिकॉज यू मेड अ रिजॉल्व टू फॉलो द लॉर्ड You determined in your heart that you will do what the Lord commands you to do. So in verse number 1, God is giving a very profound revelation. God is telling His people, I am alive, I am living, and I am your God, and I will speak to you each day. I will not give you religion. You wouldn't have a codified religion that you have to go through rituals and traditions. I am alive and I am living and each day I will speak to you. I will tell you what you need to do. I will navigate you through your journey. I will show you the path. He's saying, my word will radiate your path with light and your path will be illumined and you will know that is the way that I need to take. Hallelujah. And all other paths will be obscure to your eyes. This word will become the light. Bible says, Psalm 119 verse number 105, Your word is lamp unto my feet and light unto my path. It will do two things. It will become a lamp unto your feet.
बाइबल में जो लैंप होता था ना जूश लैंप, वैसे बंद लैंप होता था, जैसे ऐसे बंद हुई है, और यहाँ पे एक सुराख होता था, छोटा सा लैंप होता था, उसके अंदर बहुत छोटा थोड़ा सा तेल डलता था, ऑलिव ऑयल, एंड दैट लैंप विल प्रोड्यूस लाइट विच इज ओनली इनफ फॉर यू टू टेक जस्ट टू थ्री स्टेप्स. आफ्टर यू हैव टेकन टू थ्री स्टेप्स यू विल हैव टू पिक अप द लैंप एंड पुट इट फर्दर. समझ रहे आप? मतलब परमेश्वर आपको ये गारंटी नहीं देता है, ये भी कहता है कि अभी मैं तुझे इतनी लाइट दे दूंगा कि पूरी लाइट तेरी काम करेगी, आज ही मैं तेरे से इतनी बात करता हूँ कि तेरे जीवन के लिए काफी है. परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है ऑन गोइंग डेली एंगेजिंग रिलेशनशिप, एवरी डे यू हैव टू कम टू मी, आई एम द सोर्स एवरी डे. जैसे कहते हैं ना रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, यीशु मसीह ने कहा हमारी आज की रोटी तो हमें आज दे, आज दे. मनुष्य की ये फितरत है कि आप पूरे 365 दिन की रोटी इकट्ठा करना चाहते हो. कैपिटलिज्म इंसान के ब्लड में है, इकट्ठा करके रखा जाए, तगड़ा बैंक बैलेंस हो, घर हो, थोड़ा और रियल एस्टेट, एक और इन्वेस्टमेंट कर ले, थोड़ा और म्यूचुअल फंड में डालें, थोड़ा और स्टॉक में. मनुष्य हमेशा ऐसे दौड़ता रहे. प्रभु क्या कहता है ऐसे बंदे को? प्रभु कहता है यू फूल यू विल डाई टू नाइट, आज रात तू मरेगा. वो प्लान क्या कर रहा है मरने से पहले? मैं आई विल मेक न्यू बॉन्ड्स, आई विल स्टोर मोर फूड ग्रेन, देन आई विल मेक मोर, देन आई विल अर्न मोर मनी, देन आई विल मेक मोर इन्वेस्टमेंट इन टू न्यू बिजनेस वेंचर्स, देन आई विल लुक फॉर सम अदर थिंग, देन आई विल बी अ वेल्दी मैन. जीसस इज टेलिंग यू डोंट इवन नो टुनाइट यू आर गोना डाई. सो हियर गॉड इज टॉकिंग अबाउट यू हैव टू हियर मी डेली. Don't make me a religion. Don't make me a ritual or tradition. I am a living entity. I will speak to you each day and I ask you to have a relationship with me on daily basis. यही problem इसराइलियों ने की, यही problem ईसाई लोग करते हैं. वो परमेश्वर को जानते नहीं, वो कौन है, वो daily ongoing relationship. अब आ रहा है ना अगला 11वां महीना, उसके बाद 12वां, तारे टंग जाएंगे सबके घरों में, निकलेंगे सब ईसाई, पूरे जगमगा जाएंगे. वो काम करेंगे जो बाइबल नहीं कहती करने के लिए, और वो काम नहीं करेंगे जो बाइबल कहती करने के लिए. इसके अंदर कहीं भी गुड फ्राइडे ईस्टर क्रिसमस नहीं है इसमें, कहीं नहीं. बट यू गिव मोर क्रीडेंस क्योंकि सारी दुनिया मनाती है. प्रभु ने ये कहा सारी दुनिया नरक में भी जा रही है. यीशु मसीह ने कहा सकरे मार्ग से प्रवेश करो क्योंकि सकरा मार्ग जीवन की ओर लेके जाएगा और चौड़ा है मार्ग जो मृत्यु की ओर लेके जाएगा. और क्या कहा यीशु मसीह ने? मत्ती 7 की 14 पढ़ लीजिए जल्दी से. मत्ती 7 की 14, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 14. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. It will lead you to life. It is narrow and it is straight. Narrow and straight, there are two words. And in Greek there are two words. One is thlibo and the other is budos. Thlibo means a path of persecution. It's not easy way. शरीर की, जिस्म की ख्वाहिशों की, गंदे कामों की छिलाई की जाएगी इस पे. आप इस पथ पे चल के गंदे काम नहीं कर सकते, इस पथ पे चल के चोरी नहीं कर सकते, इस पथ पे चल के चुगली नहीं कर सकते, इस पथ पे चल के आप सेक्सुअल इमोरालिटी नहीं कर सकते, इस पथ पे चल के आप गंदी आंखें गंदी सोच नहीं रख सकते, इस पथ पे चल के आप ठगी नहीं कर सकते, चोरी चकारी नहीं कर सकते. ये पथ काटेगा आपको. ये पथ डिफिकल्ट है, नैरो है. स्ट्रेट के लिए वर्ड है थलीबो. थलीबो वो वर्ड है जहां से बाइबल में वर्ड निकलता है परसिक्यूशन, सताओ. ये सताओ का मार्ग है. थलीबो हुडोस ग्रीक वर्ड है. लेकिन ये अंत में आपको किधर लेके जाएगा? अनंत जीवन की ओर. और आगे पढ़े क्या लिखा? Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. कम है जिनको मिलेगा. और आगे पढ़ लीजिए. आप वो पढ़ लीजिए 13 वर्स भी पढ़ लीजिए. 13. Enter by the narrow gate, for wide is the gate. Wide is the gate. यीशु मसीह कह रहा है दो गेट की आपको बता रहा है, और बता रहा है कि पहचानना कैसे है.
पहचान ये है कि जो प्रभु का गेट है वो नैरो है, वहां पे आपको शिक्षा दी जाएगी कि आप गंदे काम नहीं कर सकते। उस जगह जो ये नैरो गेट है ना, जहाँ पे नैरो गेट की संगति होगी वहां पे सच्चा का नाम दिया जाएगा कि आप पाप अधर्म जनाकारी हरामकारी लुचपुना टूना चुगली ये गंदे काम नहीं कर सकते। अब आप मर गए, अब आपको नया जीवन लाए, अब आपको नए जीवन की चाल चलनी है, अंधकार के वस्त्र उतार के ज्योति के वस्त्र धारण करने हैं और इस सकरे मार्ग पे चलना और क्रूस उठाना है। यीशु मसीह का क्रूस नहीं है, ये आपका क्रूस है, इसे उठाना आपने और अपने आप का इनकार करना है। क्रूस उठा के डेली क्रॉस उठाना है और अपने आप को डेली ऐसे परमेश्वर की एक जगवेदी है ब्रेजन ऑल्टर, उसके ऊपर अपनी देह को रोज रखना है कुर्बान करने के लिए। इसे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स नंबर 2 में लिखा है, डेली अपनी बॉडी को लिविंग होली एंड एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस करके चढ़ाना है डेली। ये है वो, यहां इस पथ पे जो संगति हो रही है वहां पे ये वचन होगा, जो चौड़े मार्ग वाली संगति है वहां पे प्रॉस्पेरिटी की टीचिंग होगी, संसार की को गाड़ी मिलने जा रही है, बंगला मिलने जा रहा है, रियल एस्टेट मिलने जा रही है, ये होने जा रहा है, वो दूसरा पथ है। ये आपको चुनना है कौन सा पथ चुनना है आपने। ये अंत में जीवन की ओर ले जाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है, Enter by the narrow gate, wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. Hallelujah. कहाँ ले जाएगा? ब्रॉड वे है ये दुनिया का, ये यीशु मसीह ब्रॉड वे। यहाँ पे यीशु मसीह ये ब्रॉड वे, ये मत सोचिएगा कि दुनिया के दूसरे धर्मों को ब्रॉड वे कह रहा है। ये दोनों पथ सामने रखे हैं यीशु मसीह के, ये इधर ही है ब्रॉड वे, मसीहत के अंदर ही एक ब्रॉड वे पे लेके जा रहे हैं आपको, जो झूठी शिक्षा है यही पे एक ब्रॉड वे है जिधर लेके जा रहे हैं, उसकी बात यीशु मसीह कर रहे हैं कि उसके अंत में आपको क्या मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। जो शिक्षा आपको यीशु मसीह के क्रूस के संग नहीं जोड़ती, जो शिक्षा आपको पवित्र जीवन जीने का आह्वान नहीं करती, जो शिक्षा आपको धर्मी जीवन राइचियस लाइफ जीने का आह्वान नहीं करती, जो शिक्षा आपको यीशु मसीह की सूरत में नहीं बदलती। परमेश्वर की क्या मर्जी है, रोमन्स 8:28 में क्या लिखा है, परमेश्वर की ये मर्जी है, ही वॉन्ट्स अस ऑल टू बी कन्फॉर्म्ड इन टू द इमेज ऑफ हिज सन, ही वॉन्ट्स अस ऑल टू लुक लाइक जीसस, वॉक लाइक जीसस, टॉक लाइक जीसस, बिहेव लाइक जीसस, दैट इज व्हाट गॉड्स अल्टीमेट डिजायर इज, दैट वी ऑल बिकम लाइक हिम। ही सेंट जीसस एज अ प्रोटोटाइप, ही इज द मॉडल, वी हैव टू इम्यूलेट द मॉडल। He wants all of us to become like Him, and this is what He is saying here. Hearken unto my voice, मेरी आवाज को सुन। किसकी आवाज को सुनना है? परमेश्वर। बहुत सी आवाजें हैं इस जगत में। यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ क्या करती है? मेरी आवाज सुनती है। जो बोनाफाइड भेड़ है यीशु मसीह की, जो पैदा हुई है नया जन्म पाके, उस भेड़ को कैपेसिटी दी गई है क्या करने की, चरवाहे की आवाज। आपको मालूम भेड़ जो होती है, भेड़ का विजन 3 या 4 फीट तक होता है, भेड़ को दिखता नहीं है, भेड़ केवल क्या करती है, सुनती है। भेड़ अपने गडरिये की ऐसे करता है ना, जैसी पर्टिकुलर विसल होती है, वो गडरिये की विसल को पहचानती है, और भेड़ साउंड फ्रीक्वेंसी के पीछे जाती है। इसलिए वचन में लिखा है, वी डू नॉट वॉक बाय फेथ, We do not walk by sight, we walk by faith. हम देखने के द्वारा नहीं चलते, पर हम कैसे चलते हैं? विश्वास के द्वारा चलते हैं। तो भेड़ अगर आवाज नहीं सुनेगी, आपको मालूम एक न्यूजीलैंड के एक बहुत बड़े स्कॉलरली बंदे थे, वो पास्टर भी था, और ही इज एन अथॉरिटी ऑन शीप रेजिंग, शीप शेयर करने की उस बंदे ने मशीन बनाई है, और उसका नाम गिनीज बुक में भी है उस व्यक्ति का, मिस्टर बॉल्डविन, अब तो प्रभु में बस हो गए, ही रोट बुक्स ऑन शीप, वो अथॉरिटी है पूरे विश्व में शीप के ऊपर व्यक्ति, वो उसकी बुक मैंने पढ़ी, वो अपनी बुक में लिखता है कि भेड़ जो है उसको उसकी सूंघने की क्षमता नहीं होती, जानवर सूंघ लेते हैं लेकिन भेड़ सूंघ नहीं पाती। अगर भेड़ गडरिये के साथ नहीं है, चरवाहे के साथ नहीं है, भेड़ भटक गई, भेड़ किसी पहाड़ पे चढ़ गई, किसी तराई में चली गई, वहां पे जहरीली बूटियां लगी हैं, झाड़ियां लगी हैं,
तो भेड़ वही खा जाएगी, और वो एक्सेसिव गंदगी उसके अंदर जाने के कारण भेड़ की मौत हो जाएगी। भेड़ को मालूम नहीं है, इसीलिए भेड़ें तरह तरह का शैतानी चारा खा जाती हैं और नाश हो जाती हैं, समझ रहे हैं? तो भेड़ की एग्जिस्टेंस बिना गडरिए के नहीं है। और प्रभु क्या कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, इसराइल के झूठे गडरियों को ताड़ना देता है कि इन झूठे गडरियों ने मेरी भेड़ों को नहीं चराया, इन्होंने फ्लीस किया मेरी भेड़ों को, ऊन ही काटी है, मेरी भेड़ों को नरिश नहीं किया, नर्चर नहीं किया, उनकी देखभाल नहीं की, उनकी परवरिश नहीं की, या तो इन मेरी भेड़ों की ऊन इन्होंने काटी या मेरी भेड़ों को बाद में इन्होंने काट के खा लिया। आई यिर्मयाह में परमेश्वर बहुत सख्त शब्द बोलता है गडरियों के लिए, इज़ेकियल में बोलता है परमेश्वर बहुत सख्त शब्द और बहुत उलाना देता है, यहाँ तक कि दंडित करता हूँ गडरियों को। और प्रभु कहता है मैं इन गडरियों को त्याग रहा हूँ, अब मैं दाऊद सरीखे गडरियों को खड़ा करूंगा। यीशु मसीह आके क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है भेड़ों का अच्छा गडरिया मैं हूँ। फिर क्या कहता है, कहता है मैं भेड़ों का अच्छा गडरिया इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान। हालेलुया। गडरिया कौन है, जो उस हद तक जाता है कि भेड़ के लिए अपनी जान दे देता है। भेड़ों के ऊपर बहुत गहरा प्रकाशन है परमेश्वर के वचन में। राजा दाऊद भेड़ों को चराने वाला था, और राजा दाऊद ने भेड़ों के विषय में बहुत कुछ लिखा। साम 23 एक क्लासिक साम है, उसमें वो खुद गडरिया है लेकिन वो अपने आप को भेड़ के रूप में देखता है, और यीशु मसीह को गडरिये के रूप में देखता है, और एक एक बात को ब्यूटीफुली लिखता है कि क्या क्या करता है गडरिया अपनी भेड़ के लिए। परमेश्वर ये सब कुछ कहता है अगर तू मेरी आवाज सुने, अर्थात मेरी भेड़ बन के मेरे पीछे रहे। लेकिन बहुत से मसीह लोग क्या करते हैं, बकरी होते हैं, भेड़ नहीं होते, उनके अंदर मैं बहुत होती है, थोड़ा सा वेल्थ, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा फेम, दे कैंट हैंडल इट, बहुत अहंकार से घमंड से भर जाते हैं। या फिर प्रभु कहता है भजन संहिता में कि घोड़ों और खच्चरों की तरह मत हो। किसका स्वरूप ले लेती है भेड़, घोड़े और खच्चर का स्वरूप ले लेती है। घोड़ा बहुत सरपट भागता है, अपने स्वामी को भी पीछे फेंकना चाहता है। कुछ ऐसे होते हैं वो अपने स्वामी से भी आगे निकलना चाहते हैं, उसको भी पीछे फेंक के आगे निकल जाएंगे। और कुछ होते हैं खच्चर की तरह, वो कहते हैं जो मर्जी कर लो, हम यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं। प्रभु राजा दाऊद भजन में कहता है यहोवा परमेश्वर केवल भेड़ को तेल से अभिषेक करता है। किसे करता है, भेड़ को। वचन में क्या लिखा, 23 जबूर में लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे कोई घटी ना। ओरिजिनल हिब्रू में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए अब मुझे कोई घटी नहीं है, ये नहीं लिखा होगी, होगी। हालेलुया। प्रेजेंट टेंस में लिखा है सिंस द लॉर्ड इज बिकम माय शेपर्ड देयरफॉर आई एब्सोल्युटली लैक नथिंग। आपको मालूम जो हिब्रू वर्ड क्या है, वो हिब्रू वर्ड है आई एम कंप्लीट, आई एम फुल, आई एम सेटिस्फाइड, आई लैक नथिंग। हालेलुया। यदि यहोवा आपके आगे आगे चल रहा है और आप उसकी आवाज को क्या कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, हरी हरी घास की चराइयों में, वो कभी सूखी घास की चराई में ले। आज प्रभु की भेड़े जो है सूखा घास खा रही है। मैं वो मिस्टर बॉल्डविन की बुक में पढ़ रहा था कि भेड़ को सूंघने की क्षमता नहीं है, भेड़ सूखा घास भी खा जाएगी, भेड़ जहरीली बूटियां भी खा जाएगी और मर जाएगी। भेड़ के लिए पास्टर सिलेक्ट करता है गडरिया, समझ रहे आप? चर्च में जाते हो आप तो नहीं पास्टर को बताते कि पास्टर जी आज आप होली स्पिरिट पे प्रीच करें या आज आप हमें इवेंजलिज्म पे प्रचार सिखाएं, ये नहीं आप बताते ना। वो गडरिया डिसाइड करता है क्योंकि गडरिये से यहोवा बोलता है कि क्या चारा देना है भेड़ को। तो गडरिये क्या करते थे इसराइल में, उस जमाने में इसराइल में सांप होते थे बहुत, और बहुत दूर दूर चरागाहों को ढूंढते थे गडरिये, अपनी भेड़ों को ले जाते थे कई कई महीने दूर अपनी भेड़ों को संग रहते थे। तो गडरिया क्या करता था, वो पास्टर ढूंढता था चरागाह। तो गडरिया जाके एक चरागाह में घुसता है और उसके हाथ में एक लाठी है, एक सोटा है, दो चीजें होती है। तो वो जाके ऐसे घास को हटा हटा के देखता है कि कहीं नीचे सांप का बिल तो नहीं है,
वो पूरी चरागाह में घूम घूम के बिल से थोड़ा सा तेल सांप की बिल में डाल देता है, हर जगह चप्पा चप्पा छानता है, जितने बिल दिखते हैं सब में वो क्या करता है, जैतून का तेल डाल देता है। जब वो पूरा इन्वेस्टिगेट करता है खरबी सारे बिल के अंदर जैतून का तेल डाल देता है, फिर वो विसल मारता है, सारी भेड़े चरागाह में आ जाती है और भेड़े बढ़िया वहां पे पौष्टिक घास होती है, भेड़े उसे चरती है। जब भेड़ों के खुरों की आवाज सांप सुनते हैं तो सांप नीचे बिल में अलर्ट हो जाते हैं और सांप निकलना, वो सांप क्या करते हैं, सांप भेड़ का गोश्त ही काट के खाते हैं इसे, दे ईट एक्चुअली, उनकी जो टांगे होती है यहाँ से मीट खाते थे, सिर्फ उनके अंदर पॉइजन नहीं होता, भेड़ मरती नहीं पॉइजन से, वो भेड़ को खा जाते हैं ऐसे ऐसे। तो सांप नीचे से निकल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन तेल की वजह से सांप फिसल के नीचे, तो क्या लिखता राजा दाऊद, कहता तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, नीचे शत्रु है ऐसे ऊपर आके उनका नुकसान करना, लेकिन प्रभु ने ऐसे रॉयल बैंक्वेट बिछाई है। अगर आप प्रभु के बंदे हैं जो मर्जी लोग बकवास करें आपके खिलाफ विरुद्ध खड़े हो जाए आपका कोई कुछ भी बिगाड़, क्योंकि प्रभु आपके, आपको ये देखना है कि आपके संग कौन है। आज मैं किसी को सुबह ये बता रहा था, सुबह मुझे वचन आया प्रभु का, प्रभु कहता है यहोशू से, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, कोई आपके साथ है या दैट डजंट मैटर, आपके विरोधी बहुत होंगे लेकिन आपके विरोधियों से लाखों गुना ज्यादा आपसे प्यार करने वाले होंगे यदि आप प्रभु के सच्चे दास हो। तो द थिंग दैट यू नीड टू डिसाइड इज वेदर द लॉर्ड इज विद यू और नॉट, समस्या तब आपके लिए कड़ी होगी जब प्रभु आपके संग नहीं है। प्रभु कहता अगर तू मेरी आवाज सुनेगा तो क्या करूंगा तुझे, तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मैं क्या करूंगा, वो अभिषेक का तेल आपके शत्रु को आपको काटने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु कोशिश करेगा, शत्रु को लग रहा है कि कितना जबरदस्त गोश्त है, मीट है ताजा, लेकिन शत्रु आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर, जब वो हरी हरी घास की चराइयों में भेड़ों को चराता है, भेड़ों का पेट भर जाता है और भेड़ों का पेट फूल जाता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो उन्हें सुखदायी जल के झरनों के पास रखता है और वो पानी पीती है। आपको मालूम वहां पे जो लिखा सुखदायी जल के झरने, वो है स्टिल वाटर, मतलब पानी ये फ्लो कर रहे पानी है लेकिन ये डीप पानी नहीं है। अगर शीप को बहुत गहरे पानी में जो बहुत तेजी से फ्लो कर रहा हो वहां शीप जाके पानी पिएगी तो पानी पीते पीते भेड़ ट्रिप करके गिर जाती है। अगर भेड़ पानी में गिर जाए तो उसे गिलहरिया भी नहीं निकाल सकता क्योंकि भेड़ गिरने के बाद पानी में 50-60 गुना ज्यादा भारी हो जाती है, उसके बाल जो पानी भर जाता है, वो भेड़ मर जाती है गडरिया की आंखों के आगे। इसलिए गडरिया हमेशा शांत पानियों में लेके जाता है। प्रभु आपको स्टिल वाटर के पास लेके आएगा। आपको मालूम मसीहों को, मसीहों के पास स्टिलनेस नहीं है। अन्य जाति के लोग मेडिटेशन करते हैं ऐसे, वो दमकते हैं ऐसे, ईसाई लोगों के 12 बजे होते हैं चेहरे पे, क्योंकि उनकी, उनके अंदर पीस नहीं है, सरेनिटी नहीं है, उनके पास जाली सरेनिटी है, मतलब आर्टिफिशियल सरेनिटी है, ओरिजिनल नहीं है। हमारे पास शालोम है। शालोम का मतलब क्या है, शालोम का मतलब पीस है, लेकिन शालोम का मतलब पीस से कहीं बढ़ती है। शालोम का मतलब है एवरीथिंग कंप्लीट, नथिंग मिसिंग, नथिंग लैकिंग, नथिंग ब्रोकन, व्हेन एवरीथिंग इन योर लाइफ is absolutely perfect, that is called shalom. Hallelujah. यीशु मसीह कहते हैं मैं अपना पर्सनल शालोम तुम्हें देता हूँ। Hallelujah. संसार भी एक शालोम देता है आपको। बाइबल में ग्रीक हिब्रू में वर्ड है शालोम, लेकिन ग्रीक वर्ड है आइरीन, जो ग्रीक आइडिया है शांति का और जो जूश आइडिया है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ग्रीक जो आइरीन है, जो पीस के विषय में सोक्रेटस, प्लेटो, एरिस्टोटल और हेरोडोटस ने लिखा है अपने डिस्कोर्सेस में, वो पीस है जब आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन यीशु मसीह उसकी बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह कह रहा है बाशबेशक जिंदगी के बाहर सैकड़ों तूफान क्यों ना चल रहे हो, लेकिन अंदर क्या होगा, डीप शांति होगी। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत एक
ट्रैंक्विलिटी, इसके लिए जो हिब्रू वर्ड जो है उसका मतलब है, जैसे एक इंसान होता है ना दारू पीने वाला शराबी, उसने दबा के दारू पी और दारू पी के नाली में गिरा हुआ मुस्कुरा रहा है और वो उठता है, उसके सामने से एक बंदा आता है जिसने उसका बहुत बुरा किया हुआ है, उस बंदे को भाई क्या हाल है यार, और ठीक है भाई, मतलब वो सब कुछ भूल गया है, एक डीप स्टूपर स्टेट में चला गया है जहां उसकी सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो रिलीव हो गया अंदर से। हुआ क्या है कि इंटॉक्सिकेशन ने उसके ब्रेन को, उसकी मेमोरी को बाईपास कर दिया है, समझ रहे हैं? यही बात प्रेत पुरुष कहता है, प्रेत पुरुष कहता है शराब पी के मतवाले मत बनो, पर पवित्र आत्मा से भर जाओ। दोनों चीजों को इक्वेट कर रहा है कि एक शराबी शराब पी के मतवाला होता है, वैसे तुम पवित्र आत्मा से क्या हो जाओ, मतलब पवित्र आत्मा से भर जाओ। और प्रभु क्या करता है, अपनी भेड़ों को सुखदाई जल के झरनों के पास लाता है, फिर वो कहता है उस मेरे को क्या करता है, तेल, तेल बनता है। हिब्रू वर्ड है ना मासा, जहां से मसा शब्द निकला है, हिब्रू मासा जो वर्ड है हिब्रू में उसका मतलब होता है तेल ऐसे ऐसे मलना, पूरी मसाज करना। एक गडरिया अपनी भेड़ की मसाज करता है, उसके वो तेल लेके अभिषेक के तेल से क्या करता है, डीप उसको मसाज करता है और भेड़ फिर आराम करती है, थकावट भेड़ की चली जाती है। वो जो ऑलिव ऑयल की मसाज भेड़ को की जाती है, इसराइल में लीचेस होती हैं जो खून चूसती है, क्या बोलते हैं, जोंक नहीं वो चिच्चड़ बोलते हैं इसे, जो कुत्तों के डॉग्स के लगते हैं ऐसे होते हैं, और पैरासाइट होते हैं, बग्स होते हैं जो भेड़ों को क्या करते हैं, रोगी कर देते हैं, उनका खून चूसते हैं। तो जब वो जैतून का तेल लगा होता है, जैतून के तेल की फ्रेग्रेंस से ये चीजें भाग जाती है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तुम मेरी भेड़ हो, तुम क्या करो, सुनो ये राजा दाऊद साम 40 वर्स नंबर 6 में क्या कहता है, कहता है यहोवा मेरे कान तुम्हें छेद कर खोले, कैसे खोले है? राजा दाऊद क्या बात करता है, राजा दाऊद बात करता है, परमेश्वर ने इज़राइलियों से ये कहा था कि जब कोई नौकर तुम्हारे घर में रहे 6 इयर्स वो काम करेगा, 7th ईयर उसे क्या करना, रिलीज करना। You don't keep him as your slave in the 7th year. 7th year is the year of liberty. You must set that person free. लेकिन अगर वो नौकर आपका 7th year में आप उसे आजाद कर रहे हो, वो नौकर आपसे आके कहे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, तो वचन में लिखा अपने घर की डोर के पास लेके जाना और ऑल ही ब्लू हो जाए, वहां से उसके कान में क्या कर देना, सुराख कर देना, और वो बन जाएगा उबेद। उबेद का मतलब बंधुआ गुलाम, ग्रीक वर्ड है डूलॉस, बंधुआ गुलाम। अब बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया, फिलिपियों की पत्री में उड़ेल दिया और उसने नौकर का रूप लिया, दास का रूप लिया। तो कौन सा वर्ड लिखा वहां पे, फिलिपियों 2:6 में वहां पे वर्ड लिखा डूलॉस। यीशु मसीह बंधुआ गुलाम बन के आया है, हमारे पांव धोने का काम बंधुआ गुलाम करते थे, बॉन्ड स्लेव। ये बॉन्ड स्लेव कौन है, जो 6 साल रहे, 6 साल सेवा करने के बाद इन्होंने लिबर्टी अर्न की है, 6 साल के बाद इन्होंने ये डिजर्व करते हैं लिबर्टी के लिए, लेकिन ये अपनी लिबर्टी को एक्सचेंज करते हैं किस किसके लिए, बॉन्ड स्लेव के लिए। वो है हम, हालेलुया। हम प्रभु के पास जाके कहते हैं, पतरस प्रभु मुझसे कहता है जब यीशु मसीह सख्त वचन देते हैं कि मेरा मांस खाओ मेरा लहू पियो, तो जो ईसाई थे यीशु मसीह के पीछे वो ऑफेंड हो गए, ईसाइयों को ठोकर लगती है ना सच्चे कलाम से, ये ठोकर लगाता है उनको, मीठी बातें चाहिए, लोगों की ईगो को पैम्पर करो ईसाइयों को, तो ईसाई खुश होते हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर कैसे हैं आप, उनके घर घर जाओ वो बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बैगर की तरह जब पास्टर आपके पास आता है तो आपकी ईगो को पैम्पर करता है, आपको लगता है बड़ा अभिषिक्त बन रहा है, बहुत हलीम है, लेकिन जब वो अपने एस्टीम में अपने ऑनर में जो यहोवा ने उसके ऊपर रखा खड़ा होता है तो आपके पेट में दर्द होती है सही। ये जो इलाका है ना यहाँ पे 30 साल पहले आया था मैं, यहाँ झाड़ियां होती थी, एक ईसाई को बाइबल पढ़नी नहीं आती थी यहाँ पे, आज से 30 साल पहले सैकड़ों को मैंने बैप्टिज्म दिए, उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाया, और यहाँ पे हर तरह के गंदे घिनौने काम होते थे, ये चर्च खंडर थी उस समय जब मैंने इधर सेवा किया आके, ये ग्राउंड भरा होता था, कुछ भी नहीं था ग्राउंड में, खुला ग्राउंड भर के मीटिंग की हमने यहाँ,
लेकिन प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन सच्चा है, जो पहले है वो पीछे चले जाएंगे, जो पिछले हैं वो सब चीजें प्रभु की पूरी हो रही है। जिन्होंने अमृत जल के कुंड के पास आके जीवन लेना है, जो अपने आप को दीन करेंगे वो जीवन लेंगे प्रभु से, बाकी अपने ईगो में अहंकार में घमंड में नाश हो जाएंगे। प्रभु कहता है मेरी आवाज को क्या करना है, प्रभु की आवाज लोगों को पता नहीं है, लोगों को ईसाई धर्म पता है, लोगों को चर्च के अंदर सरमन पता है जो पादरी देता है, लोगों को थियोलॉजी पता है, लेकिन लोगों को प्रभु की आवाज सुनने की कला मालूम नहीं है। कैसे प्रभु बोलता है, प्रभु की आवाज क्या होती है, ये ब्लेसिंग है आवाज की। प्रभु की वॉइस जब सुनेंगे और वो वॉइस आपको लीड करेगी, हालेलुया, क्या करेगी, लीड करेगी। पढ़े एक वचन जल्दी से, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में से आपको देना चाहता हूं, हालेलुया। इसका पढ़ें रेवलेशन में से, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका एक अध्याय, रेवलेशन 1 एंड वर्स नंबर 12, रेवलेशन 1:12। रेवलेशन 1 वर्स नंबर 12। Then I turned to see the voice. क्या कर रहा है, क्या कहता है ये हुंडा, आई टर्न टू सी। कभी आपने आवाज देखी है, है? आप आवाज को क्या करते हो, देखते हो या सुनते हो, सुनते हैं। यहाँ क्या लिखा है, आई टर्न टू सी द वॉइस। कौन है ये वॉइस, ये वॉइस है जीसस ऑफ नैजरेथ। हालेलुया, ही इज द वॉइस। यहाँ पे लिखा वो ट्रम्पेट की तरह बोल रहा है, तुरही की तरह बोल रहा है, कौन, जीसस ऑफ नैजरेथ। यूहन्ना वॉइस को देख रहा है ना कि सुन रहा है। एक आपकी लाइफ में वॉइस के संग फेलोशिप करते करते ऐसा लेवल आएगा जहां आपको वो दिखाई देगी वॉइस। हालेलुया, वो कहता है इफ यू हियर माय वॉइस, इफ यू सी माय वॉइस एंड यू डू व्हाट माय वॉइस टेल्स यू, देन आई विल मेक यू अबव ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सब कुल गोत्र भाषा से सबसे मैं क्या करूंगा, तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया, और ये पढ़िएगा 14 वचन है 28 अध्याय व्यवस्था विवरण में। मैं मसीह लोगों को बोलता हूं उनको लिख के लगाओ अपने घर में, डिट्रॉनमी चैप्टर नंबर 28 वर्सेस 1-14, इनको पढ़ें, इन पे मनन करें। इनके अंदर ऐसी ब्लेसिंग है जो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले किसी कौम को, किसी देश को, किसी राष्ट्र को प्रॉमिस नहीं की गई, ऐसी ब्लेसिंग है। डिट्रॉनमी 1-14 तक इनको अपने घर में लिखें, मनन करें, और डिट्रॉनमी 15 से लेके नेक्स्ट 43 वर्सेस कर्स किए, तो भ्रम में मत रहिएगा, दोनों चीजें हैं, समझ रहे, ब्लेसिंग और कर्स दोनों ही है। यदि उसकी आवाज को सुन के उसके संग संग चलोगे तो ब्लेसिंग है, और यदि उसकी आवाज को नहीं सुनोगे, उसकी वाचा को, उसकी विधियों को, उसके हुक्मों को पांव के नीचे रौंदोगे तो 43 कर्स हैं जो उसके अंदर लिखे हुए, और ये इज़राइल के ऊपर पूरे हुए हैं। ये सब, ये बाइबल इज़राइल की स्टोरी है, इसे पढ़ के देखें कैसे कैसे उन्होंने यहोवा की आवाज को नहीं सुना। हालेलुया, इसलिए प्रभु कहता है अगर आज मेरी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को मोटा मत करना, कठोर मत करना, जैसे तुम्हारे पुरखों ने किया था जब उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया, मेरी परीक्षा ली।
और वो सबको मैंने मार दिया, और मैंने अपने गुस्से में सौगंध खा के कहा कि ये लोग मेरे आराम में कभी दाखिल ना हो। इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय घर जाके पढ़िए। हालेलुया। तो आवाज प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। वो आवाज आपको दिखाई देगी स्वरूप में, यदि आप उस आवाज के भूखे और प्यासे होंगे, उस आवाज के पीछे भागेंगे। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें। हालेलुया। 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 दुश्मन की मलामत तीर सी है, क्यों उसके जुल्म का सोग करूं। चट्टान है मेरी मेरा खुदा, चट्टान है मेरा खुदा। वो मुझसे हरदम कहते हैं है कौन कहा है तेरा खुदा होगा, किस दिन दीदार तेरा होगा, किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रू मेरी रू खुदा की प्यासी है, मेरी रू मेरी रू खुदा की प्यासी है, 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 मेरी रू। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप में से जिसे भी प्रभु का आत्मा उभारता है, शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा हम लोग अंदर से परमेश्वर वो सोते पहने थे, चाहता है कि हम में से भी सोता पहचन जो तेरा कलाम तेरे दास के द्वारा मिला है उसके साथ मुझे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। हम सबकी बुद्धि को दिमाग को खोले परमेश्वर, ताकि तेरा वचन में तेरे कलाम में बढ़ते रहे जी, झूठी और ऐसी तालीमों के पीछे ना जाएं जहाँ पर डिस्ट्रक्शन है, जो जो जहाँ पर अंधेरा है परमेश्वर, तेरे मार्ग जो तेरा जो मार्ग है वो सकरा मार्ग है, उस मार्ग पर चले क्योंकि वही मार्ग है जो जीवन की ओर है। हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस उपस्थिति के लिए कि तूने हम सबको इकट्ठा किया एक जगह पर परमेश्वर, तेरे वचन हम ग्रहण कर सके, ये तेरा जीवित जल है परमेश्वर, ये तेरा जीवित जल है। तूने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर यही कहा था, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, और जो कोई मुझ में से पिएगा उसके अंदर से जीवित जल की सोते फूट निकलेगी। परमेश्वर हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित जल के सोते, सीधे मार्ग पर
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, से हर एक पर अपना आशीष करुणा का हाथ अपनी अगुवाई कर जीसस अपने सामर्थ्य बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरे जन को तेरे लहू में छिपाते हैं, एक एक को आशीषित करें खुदावन, इस घर पे तेरे खून का बाड़ा बांधते हैं प्रभु, तेरी वाचा की बरकतें इस घर के ऊपर उतरें, तेरी आशीष उतरे खुदावन प्रभु, तेरा धन्यवाद आज की संध्या की आराधना के लिए। यीशु मसीह, आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की।